Hi everyone, what's up? I'm Angita. Welcome back in the world of material living. This video is all about plant haul. मैंने कुछ पौधे खरीदे थे अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले. सो उन पौधों का एक प्लांट हॉल है और मैंने नर्सरी का टूर भी दिया था. तो अगर आपने वो टूर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक करना. सो बिना देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्लांट इज दिस एंथूरियम एंड्रेनम. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. तो ये पौधा यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत ही छोटे से शहर में या टाउन कह सकते हैं रहती हूँ. वहाँ पे ऐसे पौधे बहुत ही रेयरली मिलते हैं. बट फाइनली आई गॉट इट. ये मुझे मिला था 250 रुपीज़ का एंड अभी मेरे घर में बहुत दिन से है तो बहुत अच्छा भी कर रहा है. आई होप अच्छा ही करे. सेकेंड प्लांट इन माई लिस्ट इज दिस जीजी प्लांट. मेरे पास जीजी प्लांट भी नहीं था और मुझे चाहिए था. जैसा कि मुझे एंथोरियम भी बहुत पहले से चाहिए था तो मुझे जीजी प्लांट भी बहुत पहले से चाहिए था. ये जीजी प्लांट और ये दोनों इसी सेम पॉट में थे, एक ही में थे और बहुत ही डेंस सा था. तो मैंने जानबूझ के ऐसा लिया क्योंकि अगर आप थोड़े घने पौधे लेते तो आप उनको दो पौधे आराम से बना सकते हैं, दो पौधे नहीं दो पॉट में आराम से फिल कर सकते हैं. तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने बहुत ही डेंस वाला पौधा चूज़ किया और उसको लिया. नाउ द थर्ड प्लांट इज दिस शफलेरा अम्ब्रेला प्लांट. मुझे ये इस प्लांट्स की लीव्स बहुत पसंद है. एक तो ये वेरीगेटेड है, ऊपर से इसमें 8 लीव्स हैं. मुझे लगा काफ़ी महंगा होगा बट नहीं, इट वॉज ओनली फॉर ₹60. टूडेज फोर्थ प्लांट इज दिस एरिका पाम, बिग एरिका पाम. ये इतने बड़े पॉट में था और इसको भी मैंने ऐसे लिया है. ये इससे मैं दो प्लांट्स बना सकती हूँ अलग करके. इसको मैंने लिया था अपने गार्डन में कोवर के लिए. गार्डन में मुझे एक जगह लंबा प्लांट चाहिए था और ट्रॉपिकल गार्डन है क्योंकि मेरा, तो वहाँ पे ये पाम बहुत ही सुंदर लग रहा है तो ये वहाँ के लिए था. एंड आपने अगर मेरे गार्डन में कोवर की वीडियो नहीं देखी है डू चेक इट आउट. मुझे बहुत ही मज़ा आई थी गार्डन मेकओवर करने में तो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा. एंड गार्डन मेकओवर का पार्ट 3 भी जल्दी आएगा जिसमें मैं अपने गार्डन में एक पॉन्ड बनाऊंगी. एंड द लास्ट प्लांट इज दिस पेट्रा क्रोटन. आई नो आप सोच रहे हैं इसमें प्लांट कहाँ है, प्लांट यही है. ये थोड़ा सूख गया, मैं ले आई थी. ये मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ का. मैं घर से 12 दिनों के लिए बाहर थी सो आई थिंक कि अंडर वाटरिंग की वजह से सूख गया है. बट मैं इसको बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ, आई होप बच जाए. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल अबाउट सुल्तानपुर व्लॉग एंड होली व्लॉग, सो डू चेक इट आउट. इस क्रोटन को अब रिपोर्ट करने जा रही हूँ. आई होप ये फिर से ग्रो कर जाए और फिर से न्यू लीव्स आ जाए. ये मैंने पानी में डाला और अच्छे से क्रोटन को मैंने फिर से रिपोर्ट कर दिया है. बजरी और थोड़ी सी मिट्टी एक साथ मिक्स करके मैंने इसको रिपोर्ट किया है. आई होप ये फिर से उग जाए और फिर से एक बढ़िया पौधा बन जाए.